हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विश्वजीत है। आप देख रहे हैं ए टू जेड असम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे कि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, जियो ने लॉन्च कर दिया है अपना 2018 का नया प्लान, जो बहुत ही धमाकेदार है और बहुत ही यूजफुल है। जैसे कि जियो लॉन्च हुआ है, तब से जियो ने नया नया लॉन्च कर रहा है अपना प्लान्स, और सारे जो नेट मार्केट है, जो इंटरनेट का मार्केट है, उसमें जियो का नंबर वन का परफॉर्मेंस दे रहा है और अपने यूज़र्स के लिए बड़े से बड़ा प्लान्स लेके आ रहा है जियो। तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं कि 2018 में जियो ने कौन सा नया प्लान्स लेके आया है। तो पहले तो जियो ने दो ऐसे प्लान्स लेके आया है हम लोगों के लिए, जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। तो मैंने अपने मैंने लिख के रखा है सब कुछ, तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ एकदम पहले से स्टेप बाय स्टेप। तो जियो ने दो ऐसे प्लान्स लॉन्च किए हैं जो 1 GB पर डे डाटा मिलेगा और आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। पहले से जो आप अगर पहले ₹100 रिचार्ज करते थे, तो अभी आपको ₹50 रिचार्ज करने पर वही डाटा मिलेगा 1 GB पर डे के हिसाब से। और सेकेंड में है 1.5 GB डाटा मिलेगा, जो आपको 50% एक्स्ट्रा डाटा के हिसाब से मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, पहले हम लोग 1 GB डाटा के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो 1 GB डाटा पर डे के हिसाब से जियो ने ₹149 में आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए 28 GB डाटा जो पहले था 199 का, तो अभी हम लोगों को ये पड़ रहा है ₹149 का 28 डेज के लिए। बहुत ही फायदेमंद डाटा मेरे ख्याल से साबित होगा। मैंने जो देखा इन सारे जो 1 GB डाटा के बीच में, ये पहला ही एक नंबर का जो है वो सबसे फायदेमंद है हम लोगों के लिए। उसके बाद आता है ₹349 का, जो 70 GB डाटा मिलेगा हम लोगों को 70 डेज के लिए, जो पहले 399 का हुआ करता था। अभी हम लोगों को इस पर ₹50 डिस्काउंट मिल रहा है, पैसा कम देना पड़ेगा हम लोगों को। तो कुल मिला के हम लोगों को इन सारे डाटास में ₹50 कम, 50% कम खर्चा करना पड़ेगा। तो तीन नंबर पे आता है 399 का, जो 84 GB डाटा मिलेगा ₹399 में, जो हम लोगों को पहले पड़ता था ₹459, जो कि 84 डेज का है। उसके बाद आता है 449 का, 191 GB डाटा मिलेगा हम लोगों को अभी, जो पहले पड़ता था हम लोगों को वो ₹499 का। तो आप लोगों को जान के खुशी होगी कि ये भी 91 डेज का ही है। तो जियो ने अपना डेज तो एक जैसा ही रखा है, बट आप लोगों का पैसा कमा दिया है, जो पैसा कम कर दिया है। तो कुल मिला के 1 GB डाटा पर डे के हिसाब से हम लोगों को मिलेगा 50% पैसा कम देना पड़ेगा हम लोग को। उसके बाद आता है 1.5 GB डाटा के बाद अगर हम करें, तो यहाँ पर भी बहुत ही अच्छे अच्छे प्लान्स लॉन्च किए हैं जियो ने। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ₹198 में जियो ने 42 GB डाटा दिया है 28 डेज के लिए, जो कि 1.5 GB डाटा पर डे है हम लोगों के लिए। तो मेरे ख्याल से तो एक ही बात है कि अगर जिसमें कोई भी रिचार्ज किए, तो हम लोग तो फ़ायदे में रहेंगे दूसरे प्लान्स के मुताबिक। तो उसके बाद आता है ₹398 का 105 GB डाटा मिलेगा हम लोगों को पर डे के हिसाब से 70 डेज के लिए, ये भी 1.5 GB डाटा मिलेगा डेली आप लोगों को। उसके बाद आता है हम लोगों के पास जो जियो ने लॉन्च किया है ₹448 का 126 GB डाटा मिल जाएगा हम लोगों को 84 डेज के लिए, वो भी 1.5 GB पर डे डाटा के हिसाब से। उसके बाद आता है ₹498 का
1498 रुपीज़ का क्या है, इसमें 136 GB डाटा हम लोगों को मिल जाएगा पर डे के हिसाब से 91 डेज के लिए, और पर डे में 1.5 GB डाटा मिलेगा। तो कुल मिलाकर हम लोग इन डाटा को अगर मैच करके देखें तो यही लगता है कि अगर हम लोग 90 जो पहले का है 149 रुपीज़ का जो एक महीने के लिए है, 28 डेज के लिए है सॉरी, डेली का 1 GB डाटा मिलेगा, यही सबसे फ़ायदेमंद है हम लोगों के लिए। और अगर आप थोड़ा ज़्यादा डाटा यूज़ करना चाहते हैं तो आप मेरे ख्याल से 198 का 28 डेज के लिए या 398 का 105 GB डाटा ले सकते हैं, इसका प्लान खरीद सकते हैं आप लोग। उसके बाद और जियो ने कुछ ऐसे ऑफर्स रखे हैं जो 15 जनवरी तक रिचार्ज करने पर आप लोगों को मिलेगा कुछ प्राइजेस, कुछ ऑफर्स। तो आप लोगों को तो थोड़ा बहुत मनी बैक गारंटी मिले, मनी बैक मिल रहा है जो 300 350 और 2600 रुपये के 2600 या 3000 रुपये तक का ऑनलाइन शॉपिंग का सिस्टम भी है यहाँ पर। उसके बाद जियो ने 50 50 रुपये का मनी बैक गारंटी का एक ऑफर भी रख दिया है। तो दोस्तों मुझको तो लगता है जियो इस बार कुछ धमाकेदार और भी लाने वाला। इसके बाद का जो प्लान होगा, जियो हर ऐसे जो नेट प्रोवाइड करते हैं कंपनी उन लोगों को एकदम ऐसा करवाने वाला है। तो मुझको तो यही लगता है कि जियो अगर इस तरह से करते रहे तो जियो 2018 में 200 मिलियन जो सब्सक्राइबर्स है, जो सपोर्टर्स है जियो का जो यूज़ कर रहे हैं वो कंप्लीट कर लेगा 200 मिलियन। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि जियो जल्दी से जल्दी 200 मिलियन कंप्लीट कर ले और जियो बन जाए दुनिया का नंबर 1 कंपनी जो नेट प्रोवाइड करते हैं। और देखा जाए तो जियो बहुत ही अच्छे हम लोग के नेट दे रहे। पहले जो हम नेट यूज़ करते थे तब हमको बहुत पैसा देना पड़ता था पर, और GB से हमको बहुत कम मिलते थे। बट अभी जो है जियो के आने के बाद बहुत कम खर्चे में बहुत ज़्यादा डाटा मिल रहा है हम लोगों को। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो में लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। और उसके बाद एक ही बात बोलूँगा कि आप वीडियोस तो देखते हैं बट मेरे वीडियोस को देखते हैं पर सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते, प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑफर्स ऐसे ही इस तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए बनाते रहूँगा, लेते आता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, जय हिंद, गुड बाय।